नमस्ते, मैं नंदिनी नितिन आपके लिए लेकर आई हूँ कहानियों की एक श्रृंखला जिन्हें मैं एक अनोखे तरीके से प्रस्तुत कर रही हूँ। आपने पंचतंत्र की कहानियाँ तो सुनी ही होंगी। आज की कहानी उन्हीं में से एक है जिसे मैं नृत्य यानी चेहरे के भाव और मुद्राओं के साथ प्रस्तुत करूँगी। मुझे यकीन है कि आप इन मुद्राओं को आसानी से समझ जाएंगे। फिर भी कहानी के बाद मैं खास मुद्राओं को अलग से दर्शाऊंगी और आप चेक कर सकते हैं। तो शुरू करें। एक जंगल में चार मित्र रहते थे, कौवा, हिरण, चूहा और कछुआ। उनमें घनी मित्रता थी। चारों प्राणी एक दूसरे से जितने भिन्न थे, उनकी दोस्ती उतनी ही अनोखी थी। जंगल में बहती नदी के किनारे वे अक्सर साथ में समय बिताते थे। एक दिन उन्होंने एक शिकारी को अपनी ओर आते देखा। तुरंत ही हिरण उछलकर घने पेड़ों के बीच छिप गया। कौवा उड़कर पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर बैठ गया और चूहा झट से एक बिल में घुस गया। परंतु कछुआ बाकी दोस्तों की तरह तेज न होने के कारण शिकारी के जाल में फंस गया। हिरण के भाग जाने पर निराश शिकारी को कछुए से ही संतुष्ट होना पड़ा। जाल में लिपटे कछुए को कंधे पर उठाकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। कछुए को शिकारी के चंगुल में देख तीनों मित्र बहुत दुखी हुए। उन्होंने कछुए को बचाने का एक उपाय सोचा। सबसे पहले कौवे ने आसमान में उड़कर जंगल में चलते शिकारी को ढूंढा। फिर हिरण शिकारी के पास से तेजी से दौड़कर आगे निकल गया। तुरंत शिकारी की नजर हिरण पर पड़ी, जो थोड़ी दूर जाकर गिरा, फिर उठकर धीरे धीरे लंगड़ाने लगा। शिकारी झट से कछुए को वहीं छोड़ हिरण के पीछे दौड़ा। उसे अपनी ओर आते देख हिरण कुछ दूर भागकर लंगड़ाने लगता। ऐसा करते करते वह शिकारी को कछुए से काफी दूर ले गया। फिर अचानक लंगड़ाना छोड़ घने पेड़ों के बीच भाग गया। दोबारा हिरण को पकड़ने में असफल होने पर शिकारी निराश होकर वापस कछुए की ओर चल पड़ा। लौटने पर शिकारी ने देखा कि उसका जाल कटा हुआ था और कछुआ भी आसपास कहीं नहीं था। वह सोच में पड़ गया। उसे ये नहीं पता था कि जब वह हिरण के पीछे दौड़ रहा था, तब कछुए का दोस्त चूहा जाल काट कर उसे छुड़ा ले गया। अब शिकारी को ना तो हिरण मिला ना कछुआ। अपने बुरे भाग्य को कोसते हुए वह अपने घर लौट गया। इसके बाद जब चारों मित्र मिले, तब सबसे पहले उन्हें सभी के कुशल होने पर बहुत खुशी हुई। कछुए ने सभी मित्रों को उसे बचाने के लिए आभार प्रकट किया। अंत में चारों को यह एहसास हुआ कि उनके व्यक्तिगत विशेषताओं और क्षमताओं से कहीं अधिक शक्ति उनकी एकता और मित्रता में थी।
मुद्राओं की बात करें तो इस कहानी में मैंने पेड़ दिखाए हैं ऐसे, और धनुष और तीर पकड़े शिकारी, ये खास मुद्रा है कछुआ के लिए। हिरण, हम चिड़िया को ऐसे दिखाते हैं, तो यहाँ पे मैंने कौवा दिखाया है। उम्मीद है आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।